रखना है मैजिक रिंग बनाने के उंगली के ऊपर धागे को रखना है, फिर इस धागे को इस तरह फिर नीचे से धागे को ऊपर ले आना है। यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन, फिर यहाँ पे एक डबल चैन इस तरह, फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन, फिर यहाँ पे एक डबल चैन, तीन चैन ज़्यादा, यहाँ पे दो चैन बनाऊंगी, इससे ये रिंग बड़ा बन जाएगा, डिज़ाइन हमारा सही नहीं बनेगा। यहाँ पे एक डबल चैन, अब धागे को यूँ लपेटना है क्रेशिये के ऊपर इस तरह, पहले दो धागे निकालने हैं फिर दो, फिर यहाँ पे एक दो चैन, एक डबल चैन और दूसरा डबल चैन, फिर यहाँ पे एक और दो, इसी तरह यहाँ पे 12 डबल चैन बनाने हैं, यहाँ पे 6 डबल चैन, यहाँ पे टोटल 12 चैन बना, दो दो चार पाँच छः सात आठ, आठ में यहाँ पे मैंने 12 डबल चैन बना लिए, दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहाँ पे टोटल एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल चैन बनाने हैं, टोटल 12 चैन। अब इधर बंद कर दूँगी, अब एक चैन, एक चैन बनाने के बाद यहाँ पे, यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी में एक दो तीन, तीन चैन बनाने हैं, फिर इसी सुराख में इसी होल में दो डबल चैन, फिर एक दो तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद इधर एक डबल चैन और इधर यहाँ पे दो डबल चैन, अब इस सुराख में दो डबल चैन, एक और दो, दो डबल चैन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद इधर एक डबल चैन, फिर इसी में दूसरा डबल चैन, अब यहाँ पे एक डबल चैन और दूसरा, अब फिर एक दो तीन, तीन चैन, फिर इसी सुराख में इसी होल में दो डबल चैन बनाने हैं, इसी तरह हर सुराख में इस तरह बनाते जाना। यहाँ पे इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब इसे बंद कर दूँगी। यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पाँच छः, अब यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद हर इसी होल में इस सुराख में आठ डबल चैन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, यहाँ पे आठ डबल चैन बनाने हैं, आठ डबल चैन बनाने के बाद इसके इसी में फिर उससे अगले सुराख में आठ डबल चैन बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट, इसी तरह हर सुराख में आठ डबल चैन बना। अब इसे बंद कर दूंगी, इसमें अब यहाँ पे धागे को कटिंग कर दूंगी, यहाँ पे ऐसे डाल के इसको ऐसे, फिर हर सुराख में एक चैन बनाते जाना है, एक इधर हर सुराख के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है। अब यहाँ पे ये जो होल है इसके ऊपर एक डबल चैन बनाना है, इसके ऊपर एक इस तरह चैन बनाना है, अब एक दो तीन चार पाँच छः और सात, इसी तरह इसके ऊपर एक चैन बनाना, इस तरह खींच के
टेस्टी लगे। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ आठ डबल चैन थे, इसी के ऊपर आठ चैन बनाने। यहाँ पे ये देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ चैन बनाने हैं। अब इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी मैं। बंद करने के बाद एक चैन, एक चैन करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे कटिंग धागे को, वाइट धागे को कटिंग कर दूंगी। वाइट धागे कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे ये मैरून कलर यूज़ करूँगी। मैरून कलर यहाँ पे एक दो मैरून कलर, ये है थ्री प्लाई का बारीक धागा, ठीक नहीं है, मोटा नहीं है। यहाँ पे हर चैन के ऊपर दो डबल चैन बनाते जाना है। हर चैन के ऊपर दो डबल चैन, एक और दो, एक और दो। इस राउंड में हर चैन के ऊपर अंदर दो डबल चैन बनाते जाना है। ये मैरून धागे का, यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे बंद कर दूंगी। अब इस राउंड में दो तीन तीन चैन लेने हैं। हर चैन के ऊपर एक एक डबल चैन बनाते जाना है। हर सुराख में एक एक डबल चैन बनाते जाना है इस राउंड में। इसी तरह इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है वन टू थ्री फोर, फोर राउंड के साथ। यहाँ पे हर इस राउंड में एक एक डबल चैन बनाते जाना है। इन तीनों राउंड में एक एक डबल चैन बनाए हैं। अब यहाँ पे ये वाइट धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, हाफ डब। यहाँ पे एक एक चैन बनाते जाना है हर सुराख में, हर सुराख में एक एक चैन बनाते जाना है। अब यहाँ पे बंद कर दूंगी। अब इसको कटिंग कर दूंगी इस धागे को। अब इसके बाद मैरून कलर यूज करूंगी। मैरून कलर यहाँ पे मैं मैरून कलर यूज करूंगी। यहाँ पे ये एक दो तीन, तीन चार और पाँच, यहाँ पे पांच चैन बनाए हैं। एक चैन को छोड़ के, एक सुराख को छोड़ के दूसरे में ये डबल चैन, फिर यहाँ पे एक दो चैन, एक सुराख को छोड़ के दूसरे में एक डबल चैन, फिर दो चैन, एक सुराख को छोड़ के दूसरे में एक दो, दो चैन, एक सुराख को छोड़ के दूसरे सुराख में एक चैन छोड़ के दूसरे सुराख में ये बनाना है वन टू, एक को छोड़ के दूसरे में एक डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है, एक को छोड़ के दूसरे में, इसी तरह इस राउंड को बनाना है। दो चैन बनाना चाहिए यहाँ पे, एक दो तीन, तीन के दरमियान में इस तरह बंद कर दूंगी। अब यहाँ पे दो चैन, दो तीन और चार, चार चैन, फिर यहाँ पे एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद फिर इधर एक दो तीन और चार, चार चैन, फिर यहाँ पे एक दो, एक दो तीन, यहाँ पे एक और दो को छोड़ के तीसरे में, तीसरे डब्बे में चार चैन बनाने हैं। एक दो तीन और चार, चार चैन, फिर एक दो चैन, फिर इसी सुराख में, इसी होल में चार डबल चैन बनाने हैं। यहाँ पे इस होल में आठ डबल चैन बनाने हैं, वन टू थ्री और फोर, फोर बनाने के बाद यहाँ पे देखिए, फिर एक दो तीन, तीन चैन, फिर इधर एक दो को छोड़ के
इन दो सुराखों को छोड़ के एक दो और तीसरे में यहाँ पे चार डबल चैन, फोर डबल चैन, वन टू थ्री और फोर, फोर डबल चैन, फिर यहाँ पे एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे फोर डबल चैन, वन टू थ्री और फोर, फोर डबल चैन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन चैन, फिर इन दोनों सुराखों को छोड़ को इन दोनों हॉल को एक दो छोड़ के तीसरे में, तीसरे में आठ डबल चैन बनाने हैं, वन टू थ्री और फोर, फोर बनाने के बाद वन टू इस तरह बनाने हैं। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये राउंड मुकम्मल कर लिया। अब इधर यहाँ पे मेरे तीन बच रह गए हैं, यहाँ पे एक दो तीन, चल मैंने तो यहाँ से चैन ज़्यादा निकाल इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे इस राउंड में दो को छोड़ के एक दो तीन, तीन चैन, इसी के ऊपर फिर एक चैन। अब यहाँ पे इस होल में, इस सुराख में दो डबल चैन बनाने हैं, एक और दो, यहाँ पे टोटल चार चैन, फिर यहाँ पे एक दो चैन, इसी सुराख में फिर दो डबल चैन, एक और दो, दो डबल चैन बनाने के बाद एक इधर तीन और एक इधर चार, चार डबल चैन, फिर एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे बंद कर दूँगी, फिर एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद इन दोनों चैनों को छोड़ के एक दो, इसके ऊपर एक चैन, एक डबल चैन, फिर दूसरे सुराख में दूसरा डबल चैन, फिर यहाँ पे इस होल में चार डबल चैन बनाने, एक और दो, दो डबल चैन, फिर यहाँ पे एक, एक और दो चैन, दो चैन बनाने के बाद इसी सुराख में दो डबल चैन, दो डबल चैन, फिर इधर एक चैन, एक और इधर दो, फिर एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद इस रिंग के ऊपर ऐसे बंद कर देना है, फिर एक दो चैन, फिर इनके ऊपर एक डबल चैन और दूसरा डबल चैन, फिर इस सुराख में दो डबल चैन, एक और दो, इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। फिर यहाँ पे दो चैन, एक और दो चैन, फिर इसी सुराख में, इसी होल में एक दो, फिर इसके ऊपर यहाँ तीन और इधर चार, चार डबल चैन बनाने हैं, इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये मैंने फोर राउंड, वन टू थ्री फोर, फोर राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। फोर राउंड इसी तरह बनाते जाना है। यहाँ पे शुरू में चार डबल चैन बनाए थे, फिर दो चैन, फिर चार चैन, इसी तरह इधर एक डबल चैन, फिर दूसरे खाने में और इस होल में दो डबल चैन, फिर दो डबल चैन। अब यहाँ पे मैं शुरू में यहाँ पे मैंने चार चैन लिए थे, फिर यहाँ पे दो चैन, फिर बंद कर देना, फिर दो चैन, यहाँ पे भी दो चैन। अब इस राउंड में वन टू थ्री फोर, फोर राउंड में थ्री चैन लेने हैं, एक दो तीन, तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद एक दो चैनों को छोड़ के इन दोनों चैनों के ऊपर एक डबल चैन, फिर दूसरा डबल चैन, इन दोनों चैनों के ऊपर एक चैन बनाना है। फिर इस सुराख में, इस होल में वन और टू, दो डबल चैन, फिर इसके बाद एक दो चैन, फिर इसी सुराख में, इसी होल में दो डबल चैन बनाने हैं, एक और दो, दो डबल चैन बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे इस डबल चैन के अंदर ये जो सुराख है इसमें एक डबल चैन बनाना है, फिर दूसरे सुराख में यहाँ पे चार डबल चैन शुरू स्टार्ट में इस राउंड में इन दोनों के ऊपर, फिर यहाँ पे इधर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। अब यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद इनके अंदर बंद कर देना है, फिर यहाँ पे एक दो तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद इसके ऊपर ऐसे बंद कर देना है,
अब एक चैन, अब इस धागे को चलो काटती में वैसे रहना, इसके ऊपर फिर और डिजाइन बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद मैंने वाइट धागा यूज करना है। वाइट धागा व्हाइट धागा व्हाइट धागा इसी के साथ यहाँ पे, यहाँ पे जो बंद किया था उसी के साथ व्हाइट धागे को ऐसे कर लेना है, फिर इधर टाइट कर देना, फिर एक चैन, एक दो तीन, तीन चैन। अब इस मैरून धागे को टाइट कर देना है, तीन चैन, एक दो तीन चार, और इसमें इस सुराख में 2 डबल चैन बनाने हैं, 4 और 5, और यहाँ पे ये 6, 6 चैन, फिर एक दो चैन, 2 चैन बनाने के बाद फिर इसी सुराख में इसी बड़े होल में 2 और चैन बनाने हैं, एक और दो, यहाँ पे 4 डबल चैन बनाए, एक दो तीन चार, चार फिर 2 चैन, फिर 2 चैन लेने हैं, फिर 2 डबल चैन। अब इनके ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है, एक यहाँ पे इस चैन के ऊपर ये जो है 4 चैन, इन्हीं के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है, एक चैन ये जो सुराख है इसके अंदर एक एक चैन बनाते जाना है, 2 यहाँ पे, 3, 3 डबल चैन और 4, 4 डबल चैन। अब उसके बाद एक और दो, 2 चैन बनाने हैं, फिर इनके दरमियान में इस तरह, फिर एक दो चैन, 2 चैन बनाने के बाद इन्हीं के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है, एक दो तीन, और यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 4 डबल चैन बनाए हैं, फिर इस सुराख में इसमें 2 और डबल चैन बनाने हैं, एक और दो, 2 डबल चैन बनाने के बाद 2 चैन, फिर इसी में एक और दो चैन, 2 चैन बनाने के बाद इसके ऊपर 1 डबल चैन, एक यहाँ पे दो तीन और 4, यहाँ पे 4 डबल चैन, फिर एक दो, 2 डबल चैन, फिर एक दो, इसी के ऊपर 1 डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल, यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है वाइट राउंड। ये थाल पोश का बड़ा रुमाल बनाना है, अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, मैंने इसके आगे भी बनाना है डिज़ाइन। यहाँ पे ये बंद कर दूंगी, 2 डबल चैन बंद करने के बाद यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी, अब कटिंग कर दूंगी, यहाँ पे ये खत्म हो गया है डिज़ाइन। अब यहाँ पे एक दो दो को छोड़ के ये तीसरे के ऊपर एक डबल चैन बनाना है। अब यहाँ पे एक दो और तीन, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक दो तीन और 4, 4 डबल चैन, 2 इसमें, 2 इस सुराख में बनाने हैं डबल चैन, 4 यहाँ पे, 5 और 6, यहाँ पे 6 डबल चैन है, फिर एक दो चैन इसी सुराख में इसी होल में, एक और दो, 2 डबल चैन, फिर इस चैन के ऊपर एक चैन, 2
तीन और इस सुराख में चार, चार यहाँ पे पांच और छः, यहाँ पे छः डबल चैन बना है, छः इधर फिर यहाँ पे एक दो दो तीन चार, चार चैन बना में एक दो दो को छोड़ के इस तीसरे के ऊपर एक चैन, एक दो तीन और चार, चार इधर डबल चैन, इधर दो छोड़ने हैं इसके ऊपर चार, फिर इस सुराख में दो चार पांच और छः, यहाँ पे छः डबल चैन बनाना है, फिर एक और दो चैन, फिर इसी सुराख में दो चैन, एक और दो दो, फिर इसके ऊपर एक तीन तीन चार पांच और छः, यहाँ पे सिक्स डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है मैरून राउंड। अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी, ठीक है। अब इस धागे को इधर आगे की तरफ ले जाऊंगी, यहाँ पे चार बनाने हैं, एक दो तीन चार, इसी में एक दो तीन, तीन चैन, फिर यहाँ पे तीन चैन, एक दो दो तीन और चार, यहाँ पे चार डबल चैन और इस सुराख में दो चैन, चार पांच और छः, यहाँ पे छः डबल चैन, फिर दो चैन, दो चैन बनाने के बाद फिर इधर एक एक दो, इस चैन के ऊपर तीन, इस सुराख में चार, उससे अगले सुराख में पांच और यहाँ पे ये छः, छः इधर चैन बनाने हैं डबल, छः इस साइड पे और यहाँ पे आप एक दो दो चैन बनाने के बाद यहाँ पे बंद कर देना है, फिर एक दो तीन, तीन चैन बना, दो चैन बनाने हैं, यहाँ पे मैंने तीन चैन बना ली, यहाँ पे दो चैन बनाने के बाद एक दो चैनों को छोड़ के तीसरे के ऊपर एक दो तीन और चार, यहाँ पे चार डबल चैन, फिर इस सुराख में दो चैन, चार पांच और छः, यहाँ पे छः डबल चैन, फिर दो चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। मज़ीद तीन राउंड और मैरून कलर के बनाने हैं, एक ऊपर से वाइट का बनाना है। यहाँ पे सिक्स राउंड होंगे, वन टू थ्री, इसी तरह इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे थ्री राउंड और बनाने हैं मैरून कलर के, उसके ऊपर वाइट बनाना है। राउंड में वन टू थ्री फोर फाइव, इसका अभी भी फाइव राउंड है, वन टू थ्री फोर फाइव। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह इनको दो चैनों को बढ़ाते जाएं। यहाँ पे मैंने शुरू में स्टार्ट में फोर लिए थे, फिर फोर का ये राउंड है, यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स का राउंड है, यहाँ पे सिक्स सिक्स बनाते जाना, आगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन का राउंड। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ टेन का राउंड, टेन डबल चैन का राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे दो चैन लिए हैं, दो चैन लेने के बाद ये जो है हर चैन के ऊपर एक डबल चैन बनाते जाना है, वन टू, और यहाँ पे हर चैन के ऊपर एक एक डबल चैन बनाते जाना है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे टोटल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डबल चैन, फिर यहाँ पे वन टू चैन,
उसके बाद इसी होल में, इसी सुराख में दो डबल चैन फिर बनाने हैं, 1 2, यहाँ पे 4 डबल चैन होगी इस होल में, अब इस सुराख में 4 डबल चैन। अब यहाँ पे शुरू स्टार्ट, इस चैन के ऊपर एक चैन बनाना है, इसी तरह हर चैन के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है, हर चैन के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है। अब यहाँ पे 1 2 2 चैन बनाने हैं, फिर यहाँ पे इधर बंद कर देना है, फिर 1 2 2 चैन,